वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये शक्ल अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है पैम्पी। मैं मेकअप फैशन ब्लॉग्स बनाती हूँ अपने चैनल में। तो गाइस आज का जो वीडियो है ना, ये है एक वायरल मेकअप लुक, ठीक है, जो क्लीन गर्ल मेकअप लुक नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, और इसका हम लोग आज ट्यूटोरियल करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से सीख पाओ और मैं अच्छे से आपको बता पाओ, थोड़ा सा भी इतना सा भी हेल्प कर दूं मैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेकअप के लिए हमारे स्किन को ना बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होना चाहिए, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए अपना फेस ये मेकअप से पहले। तो ये पहला टिप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक मॉइस्चराइजर लेंगे। तो मैंने मॉइस्चराइजर ले लिया, तो अपने फेस में अच्छे से लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो मेकअप है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्यूई, बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल लुक देता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमारा फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सीरम ले लिया और अच्छे से लगा लिया, क्योंकि सीरम लगाने से ना, मतलब मेकअप से पहले तो ये बहुत ज़्यादा ग्लोई सा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सीरम लगा दिया फेस में। आप कोई भी सीरम ले सकते हैं, और जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ना गाइस, इसके लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको अगर खरीदना है तो आप जाके खरीद सकते हैं। और प्राइमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा सा मेकअप के लिए, तो हम लोग ये सिलिकन वाला प्राइमर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे पोर्स होते हैं फेस के, वहाँ पे पोर्स श्रिंक हो जाते बहुत अच्छे से। सच में मेकअप में ना, मतलब मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, बट जब से यूज़ करना मैंने शुरू किया तो मैंने डिफरेंस देखा मेकअप में। ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है, प्राइमर लगाना ही चाहिए। तो देखिए अभी हमारा फेस बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अभी हम लोग इसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइट वाला फाउंडेशन ले रही हूँ। ये जो मेकअप लुक है ना, ये बहुत ज्यादा नेचुरल लुक, बहुत ज्यादा हाई कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं लगाएंगे। ये दो शेड मिक्स कर लिया है, 220 और 115 मिक्स कर लिया है, तो ये ना एकदम लाइट सा भी कवरेज आता है और अच्छा भी लगता है स्किन में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं इसको डॉट 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 करके अच्छे से लगा दे रही हूँ। नेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट ये बाद में इवन हो जाएगा, तो इसको अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। तो हमारा फाउंडेशन लग गया अच्छे से। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फेस करेक्टर यूज करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे फेस में तो जरूरत पड़ता है। आप लोग कोई भी फेस करेक्टर ले सकते हो, तो उसी ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लोग कंसीलर यूज करेंगे, ठीक है। जहां जहां पे ये फेस करेक्टर लगाया है वहां पे अपने को बस थोड़ा ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। तो ये हमारा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ये मेकअप में ना हम लोग पाउडर वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ना वो पाउडरी वाला वैसा लुक हो जाएगा। हमें चाहिए ड्यूई और बहुत ज्यादा ग्लोई वाला, है ना, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, ठीक है। वही ब्रश लिया, अभी तक एक ही ब्रश यूज किया हमने, हाँ एक ही ब्रश से सारा चीजें कर रहे हैं। अच्छे से ब्लेंड करो, ठीक है। और ये मेकअप में ना हम लोग नॉर्मल ब्लश यूज नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा टिंट ले लेती हूँ, आप लोग कोई भी टिंट ले लो।
तो हमने ब्लश लगा लिया, मतलब बहुत कम लगाया हमने। तो आईब्रोज को ना ज्यादा वैसा नहीं करना है कि प्रॉपर ऐसा शेप नहीं देना है हमें ना। ये स्पूली लेके, कोई भी स्पूली ले लो आप, स्पूली से इस तरीके से कर लो। मेरे पास वैक्स नहीं है, नहीं तो वैक्स लगाती तो और बहुत प्यारा लुक आता है ना। तो आपको पता है आई मेकअप से पहले हमारा क्या स्टेप होता है, हम लगाते हैं कंसीलर। कंसीलर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है आई मेकअप के लिए, क्योंकि आईज़ के ऊपर जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे ना हम लोग, वो काम ही नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा एक लाइट सा एक शेड लेंगे जो लगे ही ना कि हमने आई मेकअप किया है, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड कर देना है जो भी प्रोडक्ट हमने आईज के ऊपर लगाया है। ये मेकअप में ना क्या है, हमने मेकअप बहुत ज्यादा लगाया, बट लगना नहीं चाहिए कि हमने बहुत ज्यादा लगाया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्लीन और बहुत ज्यादा डूई और बहुत ज्यादा नेचुरल सा लगना चाहिए, ठीक है। जैसे नो मेकअप मेकअप लुक, उसी टाइप का। तो आईज के ऊपर हमने जो लगाया यही रहने देंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। और देखा डिफरेंस, देखो खुद देख लो आप। ये खरीद लेना, ये बहुत सस्ता भी है और ये नायका वगैरह में तो नॉर्मल जो स्टोर होते हैं ना वहाँ पे भी मिल जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। ये ज़रूर खरीद लेना, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। बहुत ज़्यादा कोट नहीं करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा कम कोटिंग करेंगे। और लिप्स में हम लोग बहुत ज़्यादा एक लाइट शेड लगाएंगे। मेरे लिप्स ज़्यादा प्लम्पी नहीं है और ये ट्रिक काम करता है। हाँ, उसके बाद मैं एक न्यूड शेड ले लीजिए और लगा लीजिए और देखिए। फिर बाद में हम लोग इसको और एक बार करेंगे तो ना ये बहुत प्यारा लगता है। लास्ट स्टेप हम लोग हाइलाइटर लेंगे, बट बहुत लाइट लाइट सा लगाएंगे। अभी थोड़ा सा बाल को थोड़ा सा बना लेते हैं ना, क्योंकि इस पे एकदम क्लीन हमें दिखना चाहिए। इस वजह से अच्छे से कॉम कर लेंगे अपने बालों को। इस तरीके से अपने बाल को ले लो, लेके अच्छे से इसको ऐसे कर दो। कुछ दिन पहले मैंने अपने बाल काट लिए थे और उस वजह से ये वाला हेयर स्टाइल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। मैंने सिर्फ देखे ऐसे ना बॉबी पिन ले लेके ऐसे सिक्योर कर दिया और एक बन बना दिया, लो बन बस। तो गाइस ये मेरा फाइनल लुक है। बताना कैसा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये लुक और बहुत ज़्यादा क्लीन फ्रेश। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। एवरीडे वाला लुक है, आप जैसे मेकअप कर रहे हो है ना ऑफिस या फिर कॉलेज में जा रहे हो, आपने मेकअप किया है बट लगना नहीं चाहिए कि आपने मेकअप किया है ना, कितना प्यारा सा मेकअप है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाय।